सबसे पहले इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तंग करेगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का इंटर कन्वर्जन अब कैसे करेंगे? मतलब वेज डेडेश से हमको जाना है न्यूमैन, न्यूमैन से हमको किस में आना है? कौन कौन से प्रोजेक्शन थे? फिशर था एक, कौन सा था? सोर्स था एक, कौन सा था? वेज डेडेश थे ना तीनों, एक कौन कौन से प्रोजेक्शन टाइप, कौन कौन से प्रोजेक्शन के बोलो, एक कौन सा था? वेज डेश, वेज डेस्ट, कौन सा एक? फिशर था, अब समझ में आया? और उसके बाद कौन सा था? सोहर्स या फिर न्यूमैन, सोहर्स या फिर न्यूमैन्स, ये तीन आपके प्रोजेक्शन थे। अब देखो तीन प्रोजेक्शन थे, अब तीनों प्रोजेक्शन को आपस में इंटर कन्वर्ट करना है हमको, तीनों प्रोजेक्शन को आपस में क्या करना है? इंटर कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे तीनों प्रोजेक्शन को आपस में इंटर कन्वर्ट, बताओ? तीनों प्रोजेक्शन को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा? ये मतलब हम अभी इंटर कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि मालूम है आपको बोलेगा, आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में यहाँ पर कि आपका वेज डैश प्रोजेक्शन में कोई मॉलिक्यूल बना के देगा और आपको फिशर और सोहर्स बना के देगा कि बताओ कौन सा आइडेंटिकल है, दे सकता है ना ऐसा? तब आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगा। मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बनाया था, उसमें मैंने बनाया था, अब यहाँ तुम्हें खुद निकालना है, ठीक है? अंतर समझ में आया? तो कौन कौन से प्रोजेक्शन है बेटा? एक आपका वेज डैश प्रोजेक्शन है, ठीक है, एक आपका फिशर है, एक आपका सोहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है? तो अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, तो लिखो पहला क्वेश्चन इंटर कन्वर्जन में, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे कन्वर्जन के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज, उसके बाद हम है ना समझेंगे, ठीक है ना? ठीक है, आप लिखो कन्वर्ट द ईच स्ट्रक्चर टू द न्यूमैन प्रोजेक्शन, कन्वर्ट द ईच स्ट्रक्चर टू न्यूमैन प्रोजेक्शन, कन्वर्ट द ईच स्ट्रक्चर टू न्यूमैन प्रोजेक्शन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? कन्वर्ट द ईच स्ट्रक्चर टू न्यूमैन प्रोजेक्शन, कन्वर्ट द ईच स्ट्रक्चर, ईच स्ट्रक्चर टू द न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन एज वेल एज, न्यूमैन प्रोजेक्शन एज वेल एज एज सोहर्स प्रोजेक्शन, नहीं सोहर्स नहीं, फिशर प्रोजेक्शन, कौन सा? फिशर प्रोजेक्शन। अब समझ में आ गया तुम लोगों को? समझ में आया टर्म? कौन कौन से प्रोजेक्शन में बदलना है बेटा? न्यूमैन और फिशर प्रोजेक्शन में। तो क्वेश्चन करते हैं हम एक एक करके ध्यान से, ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर वन, आप देखो यहां पर इधर समझना एक चीज मुझे कि अगर मैं यहां से देखूंगा, थोड़ा सा पॉइंट को समझना, ठीक है? अगर मैं यहां से देखूंगा तो क्या होगा बेटा? अगर मैं यहां से देखूंगा तो क्या होगा? ये आपका फ्रंट कार्बन होगा और फ्रंट कार्बन से क्या अटैच होता हुआ मुझे देखेगा? CH3, ठीक है? तो मैं फ्रंट कार्बन बना देता हूँ, ये मेरा फ्रंट कार्बन होता है बेटा ऐसा, ठीक है? फ्रंट कार्बन हुआ, फ्रंट कार्बन यहाँ पर क्या कार्बन है, फ्रंट कार्बन से कौन अटैच हुआ? ऊपर मुझे क्या दिखेगा? CH3। BR कहाँ दिखेगा? इस तरफ। BR कहाँ दिखेगा? इस तरफ। तो BR को मैं इस तरफ बनाऊंगा राइट साइड, और H मुझे कहाँ दिखेगा? इस तरफ। और बैक कार्बन में तुम्हें पता है ना कि एक कार्बन यहाँ होता है तो एक कार्बन यहाँ होता है, तो ये आपका फ्रंट कार्बन बना दे तो बैक कार्बन भी आपका पीछे ही होगा, बैक कार्बन भी आपका जस्ट इसके क्या है? पीछे। और बैक कार्बन से कौन कौन से ग्रुप अटैच है? इसको बोल दो फ्रंट कार्बन, इसको बोल दो बैक कार्बन, बैक कार्बन से कौन कौन से ग्रुप अटैच है?
हाँ, तो एच कहाँ बनेगा? इस तरफ। कौन सा वाला एच है? ये वाला, ठीक है। और ये एक एच इस तरफ बनेगा, और सी एच थ्री कहाँ दिखेगा तुमको? यहाँ से देखोगे तो नीचे दिखेगा। तो ये कौन सा प्रोजेक्शन हमने बना लिया बेटा? न्यूमेंस बना लिया। बात क्लियर है? ये मेरा कौन सा प्रोजेक्शन था बेटा? वेज डैश था ना ये कौन सा था प्रोजेक्शन मेरा? वेज डैश प्रोजेक्शन। बेटा प्रोजेक्शन को इंटर कन्वर्ट करना सीख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेज डैश से मैंने किस में प्रोजेक्ट कर लिया बेटा? मैंने इसको न्यूमेंस प्रोजेक्शन, किस में? न्यूमेन प्रोजेक्शन में। अब न्यूमेन प्रोजेक्शन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? किस में? फिशर में। तो फिशर के हिसाब से न्यूमेन हम बनाते हैं, बनाए न्यूमेन। अब देखो यहाँ पर मैं दो तरीके बताऊँगा, ठीक है ना। एक तो हम डायरेक्टली इससे भी ऑप्टेन करेंगे, एक तो हम डायरेक्टली इससे भी ऑप्टेन करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम सीधा मैं क्या बनाऊँगा बेटा? सीधा हम यहाँ से क्या बना सकते हैं बेटा? सीधा हम इससे भी फिशर बना सकते हैं, और सीधा हम इससे भी फिशर बना सकते हैं। दोनों से फिशर बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये कन्वर्जन एक बार अच्छे से सीख लेना, ठीक है। अब इसका मुझे फिशर बनाना हो तो आपको क्या दिख रहा है बताओ? सबसे पहले ऊपर क्या आया है? सी एस थ्री होगा, ठीक है। तो ऊपर मैंने क्या बना दिया? सी एच थ्री बना दिया ऊपर मैंने, सी एस थ्री, ठीक है। अब बीच वाले कार्बन से दो ग्रुप जुड़े होंगे, ऐसा जुड़े हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? पीछे वाला भी एक कार्बन होगा जिससे भी आपके दो ग्रुप जुड़े रहेंगे, ठीक है। फिर कौन से कार्बन से जुड़े रहेंगे बेटा? सी एच थ्री नीचे होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ होगा आपका। क्लियर बात है? पक्का समझ में आ गया? अब हम कैसे बनाएंगे बेटा इसमें बताओ? इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे बेटा? ऊपर ले आएंगे, दोनों सेम वाले को ऊपर ले आएंगे। मतलब जो ऊपर है किसी भी एक जोड़ी को, मतलब हमने ना दोनों को वर्टिकली अपवर्ड बना देंगे। वर्टिकली अपवर्ड बनाया तो ये वाला एच कहाँ चला जाएगा? बीआर के पास। और ये वाला एच कहाँ चला जाएगा? इसके पास आ जाएगा ना, वर्टिकली अपवर्ड किया तो। मतलब ये देखो, ये एक्चुअली मैंने पीछे से घुमा के ऊपर कर दिया। क्या कर दिया? पीछे से घुमा के पीछे वाले कार्बन को, बैक वाले कार्बन को। देखो दो कार्बन है ना बेटा, ये तो आपका फ्रंट वाला जिससे सी एच थ्री अटैच है, और एक यहाँ क्या अटैच है? बी आर अटैच है, और यहाँ क्या अटैच है? एच। और बैक वाले कार्बन पे यहाँ एच है, यहाँ एच है, और यहाँ आपका सी एच थ्री है। इसको घुमा के मैंने ऊपर किया तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? अब दोनों एच कहाँ है? यहाँ पर क्या क्या है? राइट साइड कौन सा है? राइट साइड आपका कौन सा है? एच और बी आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका? एच और बी आर। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? एच और एच। वैसे इसमें इतना देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही कायरल सेंटर है। ये तो आपका कायरल सेंटर नहीं है ना, यही आपका कायरल सेंटर है। ये बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? ये वाला आपको एक बार देखो, एक बार करो, आप समझो, एक बार ट्राई मारो, एक बार अच्छे से करो, लिखो, लिखना भी स्टार्ट करो साथ साथ। समझ में आया? अब देखो इसमें बेटा, अगर ये दोनों सेम स्ट्रक्चर होंगे, तो इससे जो आपका मॉलिक्यूल होगा, दोनों सेम होंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होगा या मिरर इमेज होगा या डाइस्टीरियोमर होगा? सेम होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका आइडेंटिकल होगा। सेम होगा तो क्या होगा बेटा? ये आपका आइडेंटिकल होगा। तो सेम होगा तो आपका आइडेंटिकल होगा, तो वो आइडेंटिकल बना लेते हैं। इसको मैं इससे भी बाद में बताऊंगा, एक एक करके पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखो इसका निकालो, ये तो आपका कायरल सेंटर नहीं है। सामने देखो थोड़ा, ये तो आपका कायरल सेंटर नहीं है। आपका कायरल सेंटर कन्फर्म है? जब ये आपका कायरल सेंटर नहीं है तो इसका तो आर एस हम देखेंगे नहीं। इसका देखो आर एस, अब इसका आर एस के लिए तुमको पता है हमेशा वेज पर किसको रखते हैं? लोअर प्रायोरिटी, सॉरी वेज पर नहीं, डैश पर हमेशा लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को रखते हैं। आप बताओ कौन कौन सा होगा? ये वन होगा, ये टू होगा, और ये थ्री होगा। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर?
एस कॉन्फ़िगरेशन, ये चेक करना जरूर मत भूलना, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन में आपको लगे कि मेरा ऑप्शन बी एच डी खड़ा, तो आप यही गलती करोगे। अब इसमें चेक करो, इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, एच नीचे ले जाओ, एच नीचे, सी एस थ्री इधर, बी आर इधर, आर आ रहा है क्या, दो मिनट रुको, सी एस थ्री, वो उल्टा कर दिया ना, ये बेक कार्बन से कौन जुड़ा है, एच और एच जुड़ा है ना, बेक कार्बन से एच और एच जुड़ा है, और आगे वाले कार्बन से तो बी आर जुड़ा है, उल्टा लिख दिया मैंने नीचे वाले का। हाँ अब बोलो जल्दी से, चेक करो इसमें, एच नीचे आ जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना ये आपका, ये तो आर वाला था, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा ये आपका, एस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से आपका एस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो दोनों आइडेंटिकल हो गए कि नहीं हो गए, अरे बस पागल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ एस बना दे एस, ये हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आ गया। तो दोनों क्या हो गए बेटा आपके, आइडेंटिकल हो गए, क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया कैसे बनाया, क्लियर हुआ। अब एक और बनाओगे आप लोग, एक और बनाओगे, देखो इसको इसको या तो मैं ना इसको मैं साइड में बता देता हूँ, इसको मैंने उसमें कैसे कन्वर्ट किया, देखो अब देखो इधर सामने इस सी एस थ्री को उठा के ऊपर लाया, घुमाया, तो सी एस थ्री को घुमाया तो पहले तो मैं आगे वाला बना लेता हूँ, ये सी एस थ्री, ये आपका क्या होगा, ये आपका सी एस थ्री, ठीक है, ये आपका एच, ये आपका बी आर। अब क्या करूँगा मैं, पीछे वाले को मैं लाया ना ऊपर, मैं किसको लाया ऊपर, पीछे वाले को मैं सी एस थ्री को ऊपर लाया, लाया देखो ये सी एस थ्री, ये वाला कहाँ चला जाए, ये जब ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर क्या आएगा, एच आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, एच आ जाएगा, क्लियर हुआ बेटा पॉइंट। अब मैंने उसको फिर जाके बनाया, ठीक है, ये आपका फ्रंट कार्बन से जुड़ने वाला सी एस थ्री ऊपर, बैक कार्बन से जुड़ने वाला सी एस थ्री नीचे, दोनों का देखो बेटा, यहाँ पर एच बी आर था, यहाँ पर राइट साइड एच बी आर आ गया, मतलब पहले फ्रंट वाला देखो बी आर एच आ गया, फ्रंट वाले से स्टार्ट करो, बी आर एच आ गया, और यहाँ पर क्या गया, एच और एच, समझ में आया। तरीका एक दो बार करोगे तो, अभी मैं वैसे भी एक दो क्वेश्चन से तो सेटिस्फाई नहीं होते हम लोग, तीन चार क्वेश्चन करेंगे तब जाके हमको कुछ ना कुछ आएगा। तो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ बेटा, थोड़ा सा समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करोगे आप लोगों को जरूर आएगा, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है अथर्व, रोहन, क्लियर हो गया कंसेप्ट। पहले तो हम लोग बना लेंगे, उसके बाद हम एक बार क्या चेक करेंगे बेटा, कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका बनाना है, कैसे भी आ सकते हैं आपके स्ट्रक्चर बेटा, आप कैसे भी आ सकते हैं। अब बताओ इसका बनाना है, इसका कैसे बनाओगे, सबसे पहले यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर दो वेज डैश को किसमें, न्यूमेन में, वेज डैश को किसमें कन्वर्ट कर दो, ये आपका वेज डैश है, वेज डैश हो गया, इसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दूं बेटा, न्यूमेन में, तो न्यूमेन में कैसे कन्वर्ट करूँगा बोलो जल्दी से, न्यूमेन में कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये आपका कौन सा कार्बन हो गया बेटा, देखो ये आपका फ्रंट कार्बन बनाया मैंने, अब यहाँ से देखूँगा तो एच ऊपर आएगा, सी एल यहाँ आएगा, बी आर यहाँ आएगा। अब देखो ये पहले से ही ऊपर है ना, यहाँ पर सी एल बैक कार्बन में पहले से ही ऊपर है, तो वो मुझे कहाँ दिखेगा, नीचे दिखेगा कि ऊपर दिखेगा, ऊपर ही दिखेगा ना, तो ये मेरा सी एल मैंने बना दिया, यहाँ पर कौन मिलेगा डैश डैश, मतलब यहाँ पर कौन मिलेगा मुझे एच, और यहाँ पर कौन मिलेगा मुझे बी आर, समझ में आया। अब समझ में आ गया तुम लोगों को, ये मैंने क्या बना दिया, न्यूमेन बना दिया ना, ईजी था कि टफ था। अब सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन पता लगा लो, कैसे लगाओगे, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंटेड डैश पर, तो करो इसका कॉन्फ़िगरेशन पता लगाओ, ये इधर, ये दोनों इधर, ठीक है, तो बी आर का सबसे ज़्यादा, देन आफ्टर सी एल, देन आफ्टर ग्रुप, तो कितना हो गया टोटल बोलो, आर कॉन्फ़िगरेशन। इसका निकालो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, अब देखो एच है लोअर प्रायोरिटी पहले से ही है, तो बी आर जी, बी आर सी एल जी,
तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है एस। अब जो मुझे मिलना चाहिए वो भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन वाला होना चाहिए, कब होगा, आइडेंटिकल बनाना है ना हमको, हमको कौन सा बनाना है, आइडेंटिकल बनाना है। अब अगर ऐसा कार्बन है, ऐसा कार्बन है जिस पे क्या हो बेटा सी एल बी आर भी आपका दोनों सिमिलर है ना, दोनों सिमिलर है, सिमिलर है दोनों, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं, देखो बनाओ जल्दी से, जल्दी से बनाओ। यहाँ पर मैंने ऐसा बना दिया, देखो आप जल्दी से, ऊपर क्या आ जाएगा एच, बैक वाले कार्बन के नीचे सी एल। अब दोनों तरफ क्या है बेटा, फ्रंट कार्बन पर क्या है बेटा सी एल है, और इस वाले कार्बन पर क्या है आपका बी आर, और इस वाले पर क्या है आपका फ्रंट कार्बन पर बी आर और यहाँ पर एच। देखो आ गया अरेंजमेंट। अब चेक करो फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन ये वाला था, यहाँ पर भी आपका आर ही होना चाहिए, चेक करो आर है कि नहीं है। एच नीचे आएगा, ये सी एल यहाँ जाएगा, बी आर यहाँ जाएगा, बी आर के बाद सी एल, सी एल के बाद ये कौन सा आ गया बेटा कॉन्फ़िगरेशन आर। इसका मतलब मैं सही बना रहा हूँ, ये वाला चेक करो, ये इधर, ये नीचे जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, बी आर सी एल, ये कौन सा है एस कॉन्फ़िगरेशन, बैक वाला ऐसी था ना, समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। अब इससे एक और टेक्निक है कि हम डायरेक्टली इस पर कैसे अप्रोच करें। अब देखो यहाँ से तो मैंने किस पर बनाया, ये मैंने क्या बना लिया था बेटा साहिल, समझ में आ रहा है, ये मैंने न्यूमेन बनाया था, न्यूमेन से मैं कहाँ पहुँचा, न्यूमेन से मैं कहाँ पहुँचा फिशर पे, सोम समझ में आया, यहाँ पर मैं क्या कहाँ पहुँचा बेटा फिशर पे पहुँच गया, बात क्लियर है। अब मेरे पास कोई ऐसा टेक्निक भी होना चाहिए ना जिससे मैं सीधा फिशर पे पहुँच जाऊँ, जिससे मैं सीधा कहाँ पहुँच जाऊँ फिशर पे पहुँच जाऊँ। तो सबसे पहले ये जो सॉलिड लाइन है उसको खींच लो, ये जो सॉलिड लाइन है उसको खींच लो, मैंने सॉलिड लाइन खींच ली एच और सी एल वाली सॉलिड लाइन सारी खींच ली। अब मैं यहाँ से यहाँ मूवमेंट करूँगा, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करूँगा, तो वेज का मतलब क्या है अंदर वाला और सी एल का मतलब बाहर वाला, तो सी जब मैं यहाँ से यहाँ मूवमेंट करूँगा तो सी एल मुझे कहाँ दिखेगा, सी एल मुझे कहाँ दिखेगा, अपने अपने राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, देखो यूँ चलूँगा तो कहाँ दिखेगा सी एल मुझे, राइट हैंड साइड। तो एच वाले पे सी एल आपको राइट हैंड साइड लगाना है, ये देखो राइट हैंड साइड लगाया, बी आर कहाँ लगेगा लेफ्ट हैंड साइड, समझ में आया। अब ये भी नीचे ही है ना, अब यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ मूवमेंट करूँगा तो आपको बी आर कहाँ दिखेगा, राइट हैंड साइड कहाँ दिखेगा, राइट हैंड साइड, और ये आपका कहाँ दिखेगा, देखो इससे भी वैसे ही बना जाएगा। तो ये तो तरीका था कि अगर मैं मूवमेंट के हिसाब से ऐसे निकालूंगा, वेज और डेस से डायरेक्टली मैंने क्या निकाला फिशर निकाला, ये समझ में आया। वेज और डेस से भी हम फिशर निकाल सकते हैं, हम एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा है वेज और डेस से भी हम फिशर निकाल सकते हैं, समझ में आया, क्लियर हुआ पॉइंट, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब इससे भी न्यूमेन निकालना मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है, सारे मैंने स्टेप बता दिए, एक एक करके नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, समझ में आ गया बनाना, इंटर कन्वर्ट करना आ गया बेटा, इंटर कन्वर्जन में क्या 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 सेम होना होना चाहिए, इंटर कन्वर्जन में क्या सेम हो, नहीं पढ़ना क्लास में, अच्छा तो A1 में तो मैं बैठा हूँ, एक और लेक्चर है ना अभी, अच्छा तो वहाँ अभी चल रहा है और गरी, अच्छा तो तुम्हें तो प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करोगे, नहीं अलग से मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, जी 8-9 बच्चे करीब ऐसे 8-9 है ना, 15 बच्चे हैं, तो उनको अलग से मैं बता दूंगा किसी दिन, ठीक है ना, अलग से 3-4 घंटे क्लास लूंगा, बता दूंगा, ठीक है, नहीं किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, समझ में आया, क्लियर है बेटा, चलो अगला देखते हैं बेटा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन इजी लगे कि टफ लगे,
इजी जा रहे हैं ना अब, क्या कंसेप्ट धीरे 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 हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी हर बड़ा जाते हैं हम लोग, धीरे तो कभी जाते ही नहीं हो तुम लोग, जाता है कभी धीरे धीरे एकदम, मतलब आज ही ट्रेन छूटने वाली है तेरी, ऐसी बात करता है तू, ठीक है। और मैं तुम्हें बताऊं एक बहुत अच्छी बात, तुम्हारा लॉकडाउन है ठीक है, पिछले लॉकडाउन में जो पाप किया है वो इस लॉकडाउन में भरपाई कर लो, मौका और चौका दोनों एक साथ मारना है, समझ में आया। पिछले लॉकडाउन में आपने काफ़ी नुकसान किया, अब इस लॉकडाउन में क्या करोगे, डबल डबल पढ़ना, ओ पिछला वाला रिकवर मत करना, जो स्कूल में पढ़ाया गया ना उसको ऐसा कर लेना कि सब इक्वल हो जाए, सारे पाप आपके धुल जाए, समझ में आया। अब देखो इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे क्या बनाना है बोलो, हम दोनों बनाएंगे, न्यूमैन भी बनाएंगे और फ्यूचर भी बनाएंगे, आ जाएगा आप लोगों को बनाना पक्का, देख लेते हैं। सबसे पहले इससे मैं क्या बनाता हूँ, सबसे पहले न्यूमैन पे जाइए, न्यूमैन पे गया मैं, ये कौन सा है आपका, आपका वेज डिश है। अब किसी रिएक्शन में मैं अगर डायरेक्टली लिखूंगा ऐसे तो आपको कोई तकलीफ होगी, नहीं होगी ना तकलीफ, तो वही है बेटा, एक्चुअली तुम्हारा रिएक्शन इस फॉर्म में दिया जाएगा, और तुम्हें पहले उसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्म में, क्योंकि मैं सोर्स फॉर्म में पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। तुम्हें मैंने पहले क्यों बता दिया इंटर कन्वर्ट करना, क्योंकि मैं सोर्स फॉर्म में ही पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तुम्हें बस इंटर कन्वर्जन आता है तो किसी भी फॉर्म को तो सोर्स में कन्वर्ट करके जल्दी से रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको बताया। मैं अलग अलग फॉर्म में पढ़ाने से अच्छा है कि एक ही फॉर्म में पढ़ाओ ताकि आपको याद रहे परमानेंट, ठीक है। आपको ये वाला स्टेप याद है ना, वेज डैश फॉर्म में मैं थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, मैं सारे सोर्स फॉर्म में ही पढ़ाऊंगा, सोर्स नहीं सॉरी फिशर फॉर्म में पढ़ाऊंगा, आप लोग क्या करना सबको फिशर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देना, सिंपल है। अब जल्दी जल्दी बताओ बेटा इसको, वेज डैश से आपको न्यूमैन में जाना है, कैसे जाओगे बोलो, न्यूमैन में जाने के लिए बच्चों सबसे पहले ये आपका फ्रंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, बैक कार्बन हुआ ना, हाँ या ना। अब देखो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इधर मैंने लिया ये फ्रंट कार्बन वाला, पहले हम फ्रंट कार्बन वाला अरेंज करेंगे, पहले हम कौन सा वाला अरेंज करेंगे, फ्रंट कार्बन वाला, बोलो फ्रंट कार्बन पे हमारा क्या है बेटा, फ्रंट कार्बन पे हमारा क्या है, इथाइल है, फ्रंट कार्बन ऊपर जा रहा है तो ऊपर मेरा कौन सा ग्रुप है बेटा, C2H5, समझ में आ रहा है, C2H5, और यहाँ कौन सा ग्रुप है। अब देखो यहाँ पर इस तरफ से देखूंगा तो Cl मुझे बाहर दिखेगा, आउट ऑफ द प्लेन, तो Cl यहाँ दिखेगा और ये H आपको यहाँ दिखेगा, दिस इज अ व्हाट, फ्रंट कार्बन। अब मुझे कौन से कार्बन पे बात करनी है, बैक कार्बन पे। अब देखो इथाइल को मैं क्या लिख सकता हूँ, CH2CH3, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको एक साथ, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मुझे कार्बन कहाँ दिखेगा, नीचे या जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर कैसे, ये ऊपर जा रहा है तो ये आपका जस्ट नीचे दिखेगा, दिखेगा ना। अगर मैंने इसको जस्ट नीचे बना दिया तो नीचे क्या आ जाएगा, C2H5। अब मुझे Cl कहाँ दिखेगा, इस तरफ ही दिखेगा Cl, Cl मुझे इसी तरफ दिखेगा ना, और H मुझे इस तरफ दिखेगा, बात क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, उसे घुमाऊंगा, क्यों घुमाऊंगा, C2H5 मतलब जैसे इसको एक लाइन पे लेना है उसको साथ में रख दो, ठीक है, किसी को ओवरलैप कर दो, क्या कर दो, ओवरलैप, ऊपर वाले को ओवरलैप करना है, तो यहाँ पर मैं साइड में बता देता हूँ, आप इन्हें रोटेट कर देना, कितना रोटेट करोगे, 180 करोगे, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। वैसे आप इन्हें Cl वाले को भी रोटेट कर दोगे तो लाइन के अंदर कौन आ जाएगा, C2H5, और नीचे कौन आ जाएगा, Cl, नीचे कौन आ जाएगा आपका, आप कैसे भी रोटेट कर सकते हो, अगर आपने इसको थोड़ा सा रोटेट किया तो ऊपर ये C2H5 किसके साथ ओवरलैप होगा आपका, Cl के साथ। तो लाइन पे मैं क्या लिखूंगा, जो जो ओवरलैप होंगे उसको एक साथ लिख दूंगा, फिर राइट और लेफ्ट को चेक कर लूंगा, ऐसा तरीका है, आप किसी को भी ओवरलैप कर सकते हो। चलो मैं दो को करके देखता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ, समझो, एक बार मैं C2H5 वाले को कर लेता हूँ, कर ले, ये तुम्हारा कौन सा बन गया बेटा आपका, न्यूमैन, समझ में आ गया प्रोजेक्शन। अब
अब मैं फ्रंट कार्बन बना देते हैं, ये मैंने बना दिया आपका कौन सा कार्बन बेटा, फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा, C2H5। यहाँ पर क्या था, Cl, और यहाँ पर क्या था बेटा, H। ठीक है, अभी इसको इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि आपको यहाँ पर सीधा मैं फिशर बना दूँ। ठीक है, अब जल्दी बोलो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा बेटा, C2H5 को मैं लिख रहा हूँ ET। चलेगा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H। अब मैं क्या करूँगा लाल वाले को कितना रोटेट करना है, रोटेट कितना करना है मुझे ये बताओ। 180 तो करना है, लेकिन रोटेट कितना करना है, जब तक कोई भी मॉलिक्यूल ओवरलैप ना हो जाए। समझ में आ गया, 180 नहीं 60 भी कर सकते हो, ओवरलैप तो होगा ना 60 में भी पीछे वाला दिखेगा नहीं दिखेगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो हम क्या करेंगे बेटा, आप लोग पहले क्या चाहते हो, 180 वाला, तो 180 वाला इधर गया तो ये यहाँ चला जाएगा, समझ में आया ना, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब इसका बताओ, ये क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, ये ET और ये भी आपका ET। अब देखो राइट साइड कौन सा है, फ्रंट कार्बन वाला कौन सा है, ब्लैक वाला फ्रंट कार्बन है, तो ब्लैक वाले को क्या करेंगे, Cl, और रेड वाले पे H, और इस तरफ H और Cl। ठीक है, अब कैलकुलेट द कॉन्फ़िगरेशन चेक करो बेटा। ये आपका देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा, S कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका फ्रंट कार्बन वाला है। अब यहाँ पर फ्रंट कार्बन वाले में चेक करो क्या है बेटा, H नीचे आ गया, Cl S आ गया। क्या करा तुमने, H को नीचे ले गए, Cl को ऊपर, ये वाले ग्रुप को ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये Cl, ये और ये, समझ में आ गया, कॉन्फ़िगरेशन सेम हुआ, फ़ायदा मिल गया। अब ये वाला बताओ, इसमें क्या करेंगे, इसमें वेज पर ही है H, सॉरी डैश पर ही है ना H, तो इंटर कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3, क्या हो जाएगा बेटा, ये भी आपका S कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, S कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया, इसका भी S कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका बैकवर्ड वाला। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब तुम थोड़ा सोचो, मैंने तुमको आइडेंटिकल वाला क्वेश्चन कराया था, तुम खूब घुमा फिरा के कराया था ना, उसमें क्या देखते थे, आइडेंटिकल कैसे देखते थे बेटा, जिस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन निकाले उस कार्बन से कौन कौन से ग्रुप अटैच है, पहले ग्रुप को चेक कर लो दोनों सेम है कि नहीं है। सेम ग्रुप हुआ तो उनका कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम हुआ तो वो क्या होगा आपका, आइडेंटिकल। बात समझ में आ गई, काफ़ी इजी था। अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और कर लेते, इफ़ अगर मैंने इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया तो क्या बनता है, चेक कर लेते, तुम्हारे मन में होगा ना। ये एक ही तरीका नहीं है, कई तरीके हैं बेटा, लेकिन हम लोग है ना एक तरीके पे फोकस करते हैं तभी हम लोग पीछे रह जाते हैं। अब बोलो, आप जल्दी बोलो, मैं कितने से रोटेट करूँ, मुझे क्या करना है, केवल और केवल ओवरलैप ही करना है ना। बोलो, 60 से कर देगी तो क्या हो जाएगा बेटा, पीछे वाले को 60 से घुमाए तो Cl यहाँ आ जाएगा, जल्दी बोलो, C2H5 यहाँ आ जाएगा, और ये आपका कहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। तो आप बताओ लाइन के लिए क्या बनेगा, बोलो लाइन के लिए ऊपर नीचे क्या बनेगा, ET और Cl बन जाएगा। अब समझ में आ गया, अब फ्रंट कार्बन के लिए यहाँ पर क्या बनेगा, Cl, और यहाँ पर क्या बनेगा, और अब बैक कार्बन के लिए यहाँ पर क्या बनेगा, ET, और यहाँ पर क्या बनेगा, H। अब चेक करो ऊपर कौन सा होगा, S होगा, क्योंकि ऊपर वाला सिमिलर है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, H को नीचे लाओगे, Cl को यहाँ, S आ जाएगा। तो मतलब कोई फर्क पड़ा, अब क्या ये आइडेंटिकल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, हम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, तुम्हें अब तरीका समझ में आ गया, एक्चुअली तरीका क्या है, बोलो अब तरीका तुम कौन सा अप्लाई कर रहे हो न्यूमैन से फिशर जाने के लिए, बताओ, ओवरलैप कर रहे हो, ओवरलैप करने से तुरंत आपका आ जा रहा है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो इसके अलावा
कल और आओगे ना मॉर्निंग तक? हाँ, तो कल मैं ना तुमको होमवर्क दे दे के दे दूंगा अभी, कल तुम्हें करके आना है, कन्वर्जन करके आना है। कन्वर्जन अगर अच्छे से कर लिया ना तो समझो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी स्ट्रांग हो गई। बस मतलब कन्वर्जन लिख लिया दोनों, नीचे वाले दोनों, ये वाला भी लिख लिया। चलो लिखते भी जाओ साथ, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों के दोनों कौन से हैं बेटा? फिशर। यही लास्ट पॉइंट बचा था तुम्हारा ऑप्टिकल में। ऑप्टिकल में तुम्हारा लास्ट पॉइंट कौन सा बचा था? यही वाला। ठीक है, अब ये बताओ, अगर क्या इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे? इसके एक तो SS हो गया, एक क्या होगा RR, एक क्या होगा RS और एक क्या होगा SR। क्या RS और SR सेम होंगे? सेम, एक बार चेक करो, है ना? अगर इसको तू घुमा देगा तो ये सिमेट्रिकली तो हो जाएगा, सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा? देखो ना, पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से काट, सिमेट्रिकल होगा ना? तो इसमें कितने बनेंगे टोटल? तीन। टोटल कितने बनेंगे? तीन। एक बार कॉपी के सारे क्वेश्चन देख जाओ, और तीन में से दो तो इनेंशियोमर पेयर बनेंगे और एक क्या बनेगा? मीजो बना। समझ में आ गया तुम्हें? काफ़ी ईजी कंसेप्ट था। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कभी कभी तुम्हारे मन में क्या आएगा बेटा कि इससे डायरेक्टली क्यों ना बना ले? ये तो तुम्हारा क्या था बेटा? फिशर। ये भी क्या था तुम्हारा? फिशर प्रोजेक्शन। अब बताओ तुम्हारे मन में आएगा कि इससे डायरेक्टली क्यों ना बनाए? अब डायरेक्टली बनाने का मैंने एक कंसेप्ट बताया था, क्या चलना है डायरेक्टली बनाने के लिए? क्या करना है तुमको? चलना है। अब बताओ डायरेक्टली बनाने के लिए, अब देखो दोनों ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या थे? दोनों नीचे थे। चेक करो पहले वाले क्वेश्चन, इससे जो जस्ट पहले वाले कराए थे उसमें वेज और डैश दोनों नीचे बने हुए थे। अब यहां पर वेज और डैश कहां बने? अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे और एक ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, लाइन खींच दूंगा। इस यहां पर कौन सा कार्बन है? C2H5। और यहां पर भी कौन सा है? C2H5। अब मैं चलने का तरीका बदलूंगा। अगर मैं यहां नीचे इस तरीके से चल रहा हूं तो ऊपर किस तरीके से चलना पड़ेगा मुझे? अपोजिट डायरेक्शन। अब बताओ नीचे चल रहा हूं तो Cl कहां आ रहा है? फ्रंट कार्बन लिया ना मैंने इसको, तो मैंने यहाँ पर क्या बना लूँगा? Cl। और यहाँ पर क्या बना दूंगा? H। अब मैं यहाँ से यहाँ चलाऊँ, यहाँ से यहाँ चलूँगा तो Cl मेरे कौन से हैंड की तरफ आएगा? लेफ्ट की साइड आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको Cl बना दिया और यहाँ पर मैंने इसको H बना दिया। चेक करो, वही आ गया। समझ में आ गया तुम लोगों को? क्लियर हुआ? ये डायरेक्टली फिशर ऑप्टेन करने का एक सिंपल तरीका है बेटा। ठीक है, सिंपल तरीका है फिशर ऑप्टेन करने का, आप लोग समझो। अपोजिट कब चलना है? हाँ, ऊपर नीचे वेज और डैश हो। जब दोनों वेज और डैश नीचे हो तो सिमिलर डायरेक्शन में चलते रहना है, क्योंकि अपोजिट होता है ना। समझ में आया? चलो करो। अब देखो दोनों ऊपर नीचे होते हैं ना, समझो एक बार। दोनों अगर ऊपर नीचे हुए तो मुझे इसको रोटेट करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, दोनों ऊपर नीचे हुए तो मुझे उसको रोटेट करके देखना पड़ा ना, मुझे इसको रोटेट करके देखना पड़ा ना। लेकिन अगर दोनों एक ही साइड हो थे तो क्या मैंने रोटेट करके देखा था? क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं देखा था। समझ में आया? अगर दोनों ऊपर नीचे हुए तो इसको भी मुझे रोटेट करना पड़ता है। जब मुझे इसको रोटेट करना पड़ता है तो मुझे चलना भी उल्टा पड़ेगा ना। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करोगे या फिर आगे बढ़े? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब मैं समझाऊंगा नहीं, अब तुम लोग बोलोगे। ठीक है ना, बोलोगे ना पक्का? अरे बोलना जरूरी है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी लिख लो एक, हाँ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। कंसेप्ट काफ़ी ईजी है बेटा, इतना टफ कंसेप्ट हमारा है ही नहीं। मैंने जो पढ़ाया ना वो काफ़ी ईजी तरीके से तुमको ले गया हूँ मैं। मैंने सब चीज़ तो बता दी तुमको, किस में कन्वर्ट कर सकते हो, किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, बता दिया ना। अभी भी तुमको लग रहा होगा सर न्यूमेन को वेज डैश में कैसे कन्वर्ट करूँ, तुम्हारे मन में है ऐसा? उल्टा कर सकते हो इसका? उल्टा कैसे लाओगे? जब ये अपोजिट है तो अपोजिट बना दो ऐसे,
और इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, बन गया वो, सही में ना। अब एंजॉय करो, अब कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हारे। अगर माइंड में 3D बनता है ना तो तुम्हारा बहुत बेनिफिट है बेटा इसमें। इंटर कन्वर्जन किस लिए पढ़ाया आप, तुम्हें समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। चलो एक और देख ले क्वेश्चन, लिख लिया ये, ये नहीं चला, जल्दी जल्दी लिखो। बेटा पता है तुम लोग अगर सीरियस रहोगे ना पढ़ाई के प्रति, तुम लोग अगर नहीं जब तक आओगे ना यहाँ पर, तब तक मैं आऊँगा, तब तक मैं तुमको कुछ ना कुछ नए नए टॉपिकों का प्रैक्टिस कराऊँगा। तुम अगर आओगे तो तुम्हें प्रैक्टिस कराऊँगा, ये मेरी गारंटी है। तुम नहीं आओगे तो तुम्हें घर पर बैठा के तो प्रैक्टिस नहीं करा सकता ना। यहाँ आना अच्छा है कि घर पे, तुम खुद सोच के देखो घर पे प्रैक्टिस कर पाओगे कि ज़्यादा, कि यहाँ में ज़्यादा प्रैक्टिस करा लूँगा। यहाँ पे प्रैक्टिस होगा ना, देखो कुछ भी है सेफ है, अब सेफ है क्योंकि अब सब गए, और अब सब गए तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तुम क्यों नहीं आए थे कल, टेंशन हो गया था। प्रेमजैन भी आ रहा है कल से, प्रेमजैन आ रहा है, प्रेमजैन के पेरेंट्स से बात हुई थी मेरी, प्रेम जैन के पेरेंट्स से बात हुई थी, तो वो भी आ रहा है कल से, तो आप थोड़ा समझो मेरी बातें, समझ में आ रही है, या फिर अगर तुम्हें बुरा लगे तो बोलो। मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मन में अगर हो ना कि अभी सर के सामने बोलते हाँ पीठ पीछे ना, तुम अगर ना भी बोलोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको मैंने पहले ही बताया था यह सब बात, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहली बात है मुझे इन सब से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता बेटा क्योंकि देखो इसमें नहीं बोलो, तुम लोग कहीं और होगे, मैं कहीं और होगा तो तुम लोगों का, तुम लोग क्या मुझे याद करोगे, मैं कभी ऐसे नहीं करता, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ में आया। इसलिए ध्यान करो, मैं तुम्हारे फायदे के लिए करूँगा, मुझे कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, अगला देख लो, अगला कैसे करोगे बेटा, अगला क्वेश्चन बोलो जल्दी से, अगला क्वेश्चन। इसको ये कौन सा है मेरा, आपका वेज डैश, ये कौन सा है मेरा, वेज और डैश फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करो जल्दी से, जल्दी से कन्वर्ट करो। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्या आएगा, फ्रंट कार्बन बना लें, देखो फ्रंट कार्बन बना लेते हैं, ऊपर क्या आ गया बेटा बता, नहीं आ रहा है, इसको मैंने फ्रंट कार्बन माना है, इसको मैंने फ्रंट कार्बन माना है, बोलो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ये अब फ्रंट कार्बन कहाँ जाएगा बेटा, नीचे जाएगा, समझ में आया, अब फ्रंट कार्बन अब कहाँ जाएगा तुम्हारा, देखो सब टाइप का मैंने बना लिया, नीचे जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, CH3, और वो OH कहाँ आएगा। ठीक है, अब तुम्हारा ये वाला कार्बन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड वाला, अब बैकवर्ड वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर बना दो जल्दी से, ये मेरा ऊपर चला गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, CH2CH3 लिख सकता हूँ ना, इसको ET है ना। अब ये वाला कहाँ जाएगा बेटा, मेरा H इधर जाएगा, और ये वाला CL मेरा यहाँ जाएगा, क्लियर हुआ बात। ये मैंने कौन सा प्रोजेक्शन बना लिया बेटा, ये मैंने कौन सा प्रोजेक्शन बना लिया, न्यूमेन बन गया ना, न्यूमेन प्रोजेक्शन, इजी था कि टफ था, इजी था ना तरीका न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाने का, ये मैंने बना लिया न्यूमेन प्रोजेक्शन। अब न्यूमेन प्रोजेक्शन से मुझे क्या बनाना है, जल्दी बोलो, न्यूमेन से मुझे बनाना है फिशर। अब फिशर बनाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मुझको रोटेट करना है, कैसे करना है, कैसे भी हो लेकिन ओवरलैप हो, कैसे भी हो मतलब ओवरलैप हो, तो मैं रोटेट कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ CH3 वाले को रोटेट करता हूँ ताकि आपको RS निकालना आसान नहीं रहे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रंट वाले को घुमाऊँगा या बैक वाले को घुमाऊँगा, क्यों
फ्रंट वाले को घुमाऊंगा तो वो आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। नहीं, आप भी सही हो, आप लोग गलत नहीं हो, ठीक है। ये मैंने इसको ऊपर घुमा लिया, यहाँ पर अगर मैंने इसको ऊपर घुमाया तो एज कहाँ आएगा, इधर, और एज कहाँ आएगा, इधर। दिस इज द फ्रंट, और बैक वाला कौन सा है बेटा, बैक वाला ऊपर क्या है, ई टी ए, और इस तरफ क्या है, एच ए, और इस तरफ क्या है, सी एल ए, ठीक है। अब बना दो जल्दी से, ऊपर क्या लिखूंगा मैं, सी एस थ्री, नीचे क्या लिखूंगा, ई टी, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब राइट साइड फ्रंट वाले में कहाँ है, राइट साइड फ्रंट वाले में क्या है, एच ए, और लेफ्ट और बैक वाले में क्या है, एच ए। अब आपका फ्रंट वाले में लेफ्ट साइड कौन सा है, ओ एच ए, और पीछे वाले में आपका क्या है, सी एल ए। क्या ये सही है, चेक हम कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मिलाओ। ये ऐसा कार्बन है जिससे ओ एच और एच जुड़ा है, बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन। एच तो डैश पर है ना, इसका कोई करना ही नहीं है, आर ए पक्का, ये वाला नहीं है, ये बड़ा ग्रुप है ना, तो ये कौन सा हो गया, वहां चेक करो ओ एच और एच वाला, आर आ गया, अब तुम्हें आ गया अच्छे से, क्लियर हो गया। ये वाला बताओ, और ये दोनों भी ऐसे चले जाएंगे, ये ऐसा है, और ये वाला दा देखो कैसा है, ऐसा रहा है ना, पक्का रहा है। आप बताओ हो गया, आइडेंटिकल है ना, इसका मतलब मैंने जो बनाया वो सही बनाया, बात क्लियर है। अब इससे डायरेक्टली कैसे बनाओगे, बना ले, ऊपर मैंने क्या लिख दिया, सी एस थ्री, नीचे मैंने क्या लिख दिया, सी टू एच फाइव। ऊपर मैं ऐसे चलूँगा तो नीचे क्या करूँगा, चलूँगा जस्ट उल्टा, बोलो अब इस तरफ चला तो ओ एच कहाँ दिख रहा है, तो सी एस थ्री के वाले पे ना, और मैं इस तरफ से चला तो, इस तरफ से चला तो एच कहाँ दिखा, एच तो आपका लेफ्ट साइड, सी एल आपका, तो यहाँ दिखा, यहाँ दिखा पक्का, चलो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच। ये तो मिरर इमेज बन गया, रुक जा एक बार देख लेते, सी एस थ्री यहाँ गया तो ओ एच मेरा राइट साइड, एच सी एल मेरा लेफ्ट साइड, ठीक है। अच्छा तो सी एस थ्री, ठीक है, ओ एच एच, ना 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 ना, इसका मिरर इमेज क्यों, वो तो ठीक है, वो ऊपर से मैंने क्या डायरेक्शन बताया था, ऊपर लेफ्ट, हाँ हाँ नीचे राइट मैंने बताया था, ऊपर लेफ्ट। अब बोलो जल्दी से, ओ एच कहाँ आएगा, अब नीचे राइट ऊपर लेफ्ट, हाँ तो ओ एच कहाँ आएगा, इस तरफ, एच इस तरफ, अब इस बार सी एल इस तरफ, एच इस तरफ, बन गया, बन गया सेम, क्लियर हो गया। अब नीचे हमेशा ऐसे जाएंगे, ऊपर हमेशा जस्ट उल्टा जाएंगे, तो मैंने नीचे वाले का ध्यान रखो बस, ठीक है। आगे आप, तुम्हें क्लियर हो गया फंडा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक तुम्हें फिशर बनाना आ गया, क्या बनाना आ गया, फिशर। अब तुम्हें कोई दिक्कत है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अब हम डिटेल करते हैं, जल्दी जल्दी लिख लो, मज़ा आया इसको सीखने में। अब तुम्हारा मैक्सिमम मतलब 100% ऑप्टिकल आइसोमर से अब तुम मतलब तुम्हें आ गया है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालना किसको नहीं आया, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालना किसको आ गया, डीके सिंह के सारे क्वेश्चन हो गए ऑप्टिकल आइसोमर के, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालते हैं, स्टीरियो आइसोमर को पहले क्या निकालेंगे, जी आई, उसके बाद क्या निकालेंगे, हाँ मतलब उसमें जो ओ आई के अंदर क्या काउंट हो अपने आप आपका हो जाता है जी आई,
और अगर केवल ऑप्टिकल निकालना हो तो कायरल सेंटर देख लेंगे। आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि ओ आई पूछ बता दो, जी आई बता दो, आपसे क्या पूछेगा? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आई, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अगर आपसे ओ आई पूछे जिसके अंदर जी आई हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर जी आई है और उसके अंदर ओ आई वाला कायरल सेंटर भी है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जी आई निकालना पड़ेगा तभी आप ओ आई निकाल सकते हो, क्योंकि ओ आई के नंबर बदलते हैं ना जी आई की वजह से। तो हमेशा क्या करना है, पहले जी आई निकालना है उसके बाद और जिसमें जी आई नहीं हो तो क्या दिक्कत है, सीधा ओ आई निकलेगा। मैंने एक लाइन लिखाई थी, क्या लाइन लिखाई थी? ऑप्टिकल आइसोमर कैन अफेक्टेड बाय जी आई बट जी आई इज नॉट अफेक्टेड बाय, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, असर्शन और रीजन में आ सकता है। ठीक है, आपने एनालिसिस भी कर लिया होगा, आप अगर पहले उसका ओ आई निकालते तो जी आई निकलता, गलत निकल जाते सारे के सारे। ठीक है, तो इसीलिए रोहन आज तैयार होके आया है घर जाने के लिए। मन है घर जाके क्या करेगा? यहाँ तो खाना मिलेगा ना, अच्छा कुछ नहीं, क्यों भरोसा नहीं है यहाँ पर? हाँ वो अलग बात है, फैम एक चीज़ है, पेरेंट्स तो आपकी केयर तो करेंगे लेकिन जो खेड़ में रहते, कौन कौन खेड़ में रहता है? सोहम खेड़ में है, तू खेड़ में रहता है ना, कहाँ रहता है तू? सुखीवली कहाँ है? भरने से उधर, तो सेफली आना सेफली जाना, क्योंकि मैं डेली बोर्ड पर प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख दूंगा, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, मैं डाउट भी बता दूंगा तुम्हें, स्ट्रॉन्ग तुम लोग बहुत ज़्यादा हो जाओगे फिर अपने आप। ठीक है, डेली एक एक दिन का चैप्टर का रिवाइज कर लेंगे अगर ऐसा हुआ तो, अगर एक एक दिन चैप्टर का रिवाइज कर लिया तो सारा हो जाएगा फिर। ये ख़त्म, नेक्स्ट चलते हैं। अब लिखो रिजोल्यूशन ऑफ आइसोमर, रिजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, रिजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अगला टॉपिक कौन सा? रिजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। देख ले बेटा, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, तुम लोगों को अभी मैं क्वेश्चन देके भी जाऊंगा। अब देखो इनेंशियोमर क्या होते हैं, मैं लिखा था इनेंशियोमर क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। मैंने बताया था ना, मैंने दो टाइप के मिरर इमेज बताए थे, एक क्या बताया था? सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और मैंने मिरर इमेज में वो इनेंशियोमर में एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, क्या लिखाई थी? फिजिकल एंड केमिकल निकालो प्रॉपर्टी ऑफ इनेंशियोमर, प्रॉपर्टी ऑफ इनेंशियोमर निकालो, क्या लिखाया था मैंने? प्रॉपर्टी ऑफ इनेंशियोमर, इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी, एक अलग से पॉइंट लिखाया था मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला नहीं लिखाया, हाँ ये नहीं, फोर्थ पॉइंट, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इनेंशियोमर आर सिमिलर, ओनली क्या चेंज होता है बेटा? बीपी बिहेवियर टुवर्ड पीपीएल। लेकिन अगर मुझे फिर भी इनेंशियोमर को सेपरेट करना है तो वो इनेंशियोमर को सेपरेट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? कुछ ना कुछ मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब समझो इनेंशियोमर को सेपरेट करने के लिए जब मुझे कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहला देखो, अब समझना, सेपरेशन मेथड ऑफ इनेंशियोमर पेयर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ, रिजोल्यूशन लिखो, सेपरेशन मेथड ऑफ इनेंशियोमर। क्योंकि आप खुद देखो, मुझको सेपरेट करना किसको टफ है बताओ? सेपरेट करना किसको टफ होगा, इनेंशियोमर को या फिर इनेंशियोमर को या फिर डाइस्टीरियोमर्स को? सोच के बताओ, इनेंशियोमर को सेपरेट करना अलग होगा क्योंकि डाइस्टीरियोमर का तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी तो अलग होगा, डाइस्टीरियोमर्स तो अलग ही हो गया ना, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उनके अलग हो सकते हैं?
लेकिन आइसोमर्स के क्या सेम होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, लेकिन वहाँ पर तो ऑप्टिकल एक्टिविटी से मैं उसको अलग कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तुम इनेंशियोमर की बात करो, इनेंशियोमर क्या होते हैं बताओ। आइसोमर की डेफिनेशन तुमने क्या पढ़ी पढ़ी थी, सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपका इनेंशियोमर और डाइस्टीरोमर के तो अलग अलग होंगे, बात क्लियर है। लेकिन दोनों इनेंशियोमर के क्या होते हैं, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। वैसे आइसोमर का डेफिनेशन क्या है, सेम मॉलिकुलर फार्मूला, हाँ ठीक है वो, लेकिन किसके लिए अवेलेबल, वो एप्लीकेबल है इनेंशियोमर, वो एक आपका डाइस्टीरोमर हो उनके लिए, लेकिन इनेंशियोमर में तो वो भी सेम होते हैं, तो क्या उसको सेपरेट कर पाना मुश्किल है कि टफ है, मुश्किल है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ अप्रोच लगाएंगे, मतलब इनेंशियोमर को सेपरेट करने की टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। तो लिखो, सेपरेशन मेथड ऑफ इनेंशियोमर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ, सेपरेशन मेथड ऑफ इनेंशियोमर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। सेपरेशन मेथड ऑफ इनेंशियोमर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। इनेंशियोमर कितने होते हैं, दो होते हैं ना, मैंने हमेशा क्या बोला था, इनेंशियोमर कौन से फॉर्म में रहेंगे आपके, पेयर के फॉर्म में, एक एक वो खुद, एक उसका मिरर इमेज खुद। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इसको सेपरेट करने की टेक्निक क्या है, लिखो, देयर आर मैनी मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर, देयर आर मैनी मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर, सम आर। अब देखो कुछ क्या है, सबसे पहला क्या होगा बेटा, सबसे पहला मेथड है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्या है बेटा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, थोड़ा समझो, ठीक है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो मतलब क्या होगा बेटा, क्या बोलोगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को, अगर मैं उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो एक जो आरएस वाला इनेंशियोमर है वो अपना अलग दिखाएगा, वो अपना अलग क्रिस्टल बनाएगा, और दूसरा वाला अपना क्या करेगा, अलग, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डिस्टिल करूं तो एक वो एक आपका, मतलब सॉरी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, बताओ जो आपका दो आइसोमर है, एक का आर है एक का एस है, तो वो कौन सा वाला क्रिस्टल बनाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन वाला, और एस वाला कौन सा बनाएगा, वो है ना एस कॉन्फ़िगरेशन वाला क्रिस्टल बनाएगा, मतलब दो आपके, चलो ठीक है, आर कॉन्फ़िगर्ड क्रिस्टल बन गया, एक आपका एस कॉन्फ़िगर्ड क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टल आइया। सुनो मैं, देखो यहाँ पर दो मैंने लिया, ठीक है, दो इनेंशियोमर लिया, उसको क्रिस्टलाइजेशन किया, तो एक कौन सा बनेगा एस, एक कौन सा बनेगा आर। अगर मैं एस पर पीपीएल को लगाऊंगा तो क्या बनेगा, एस वाला, मतलब वो अलग डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो आपका। तो एक बार फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो लिखो, इनेंशियोमर कैन बी क्रिस्टलाइज इन अ डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म, एन इनेंशियोमर कैन बी क्रिस्टलाइज इन अ डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म विच दे कैन बी सेपरेट। ठीक है, लिख देता हूँ, जाता भी है क्या लेक्चर, ये लेक्चर जाते भी क्या आपके पास, लिख देता हूँ, उन बच्चों को भी लिखना पड़ेगा, इनेंशियोमर कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म विच दे कैन बी सेपरेट। अब बात समझ में आ गया, पहला तरीका, और दूसरा तरीका है बेटा बायोकेमिकल मेथड। लिखो नेक्स्ट मेथड कौन सा बेटा, बायोकेमिकल मेथड।
तो बायोकेमिकल मेथड क्या होगा बेटा, बायोकेमिकल मेथड क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो। अब देखो बायोकेमिकल मेथड में हम क्या करेंगे कि हम किसी भी टाइप के किससे करा देंगे बेटा, बैक्टीरिया से रिएक्टेड करा देंगे। आर कन्फिग्रेशन वाला बैक्टीरिया से अलग रेट से रिएक्शन करेगा और एस कन्फिग्रेशन वाला बैक्टीरिया से अलग राइट से रिएक्शन करेगा। तो इस तरीके से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। बायोकेमिकल मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ होगा। देखो अब इन दिस मेथड क्या बोलेंगे बेटा, इन दिस मेथड बोलो जल्दी से, इन दिस मेथड क्या होगा बेटा, इनेंशियोमर, क्या इनेंशियोमर आर सेपरेटेड बाय आर रिएक्टेड टू बैक्टीरिया। मतलब किसके साथ रिएक्ट कराएंगे हम लोग यहाँ पर, बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। विच रिएक्ट्स विद वन इनेंशियोमर, विच रिएक्ट विद वन इनेंशियोमर्स फास्टली Hence, they can be separated out. अब अगला मेथड तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। मैंने एक इनेंशियोमर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी बताई थी बोलो? इनेंशियोमर अगर आपका एक आर है एक एस है, अगर वो अकायरल से रिएक्ट करेगा तो अलग रेट से करेगा और कायरल से रिएक्ट करेगा तो अलग रेट से करेगा, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो तीसरा मेथड है बाय कन्वर्जन इन डाइस्टीरियोमर्स। क्या डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। अब ये वाला मेथड तुम लोग जानते हो। अब देखो एक मेरे पास, समझना यहाँ पर, एक मेरे पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बता देता हूँ मैं सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पर HOH, ठीक है, CH3C2H5, क्या CH3C2H5, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, मैंने तुमको पढ़ा भी रखा है इस टाइप का। हाँ याद है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया COOH, यहाँ पर D और यहाँ पर H, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, CH3 लिख दिया, CH3 मैंने। अब देखो ये कौन सा कन्फिगर्ड है, H नीचे OH इधर, एक दो तीन, ये कौन सा कन्फिगर्ड है, S, और ये कौन सा कन्फिगर्ड है, चलो इसका कन्फिग्रेशन पता पड़ गया, इसका कन्फिग्रेशन बताओ। एच नीचे ये ऊपर, ये इधर ये इधर, एक दो तीन, कौन सा कन्फिग्रेशन है, एस। अब एसिड अपने में से OH निकालेगा, एच अपने में OH अपने में से एच निकालेगा, तो जोड़ दो बेटा इसको, जोड़ दो इसको ऐसे, क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, CH3H OC O, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, ये नीचे CH3 आ जाएगा और इसका H और इसका D, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इसका C2H5, ठीक है। अब देखो इसका कन्फिग्रेशन कितना हुआ, इसका कन्फिग्रेशन तो ऐसे ही होगा, और इसका भी कन्फिग्रेशन कितना होगा बेटा, ऐसे ही होगा, इसका भी कन्फिग्रेशन आपका क्या होगा, S, ठीक है। एक बार मैंने इसके साथ रिएक्ट करा दिया, बात क्लियर है। एक बार में मुझको किसको अलग करना है, वो इनेंशियोमर को ना, तो इसके अंदर दो होंगे, कौन कौन से होंगे, एक R होगा एक, अब एक बार कौन आपका रिएक्ट करेगा, R को रिएक्ट कराओ, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो R को रिएक्ट कराया मैंने, यहाँ पर R को रिएक्ट कराने के लिए यहाँ पर OH कर दिया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया CH3, और यहाँ पर
आर को रिएक्ट कराने के लिए ऐसे नहीं किया, देखो मैंने सिंपल करने के लिए C2H5 CH3 OH H। अब बोलो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये? ये उसी का आर हो गया ना, आर हो गया पक्का। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा ये आपका? आर हो जाएगा। नहीं ये गलत है, ये एस बना दिया। ये हो गया आपका आर। अब इसकी रिएक्शन मैं किससे कराऊं? सिमिलर वाले से। सिमिलर वाला कौन सा है बेटा? C OH। यहाँ पर H, यहाँ पर D और यहाँ पर CH3 रिएक्ट कराना है इसके साथ। कराओ रिएक्ट एक बार। क्या बनेगा बेटा? C2H5 CH3 OH C OH। यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। ये आपका D, ये आपका H और ये आपका CH3। आप बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ये वाला R हो गया और ये वाला क्या हो गया? ये वाला आपका हो गया S। ठीक है, अब ये दोनों तो मॉलिक्यूल तो सेम ही है ना, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, क्या होगा? डाई स्टीरियो मर्स होंगे। आप समझ में आ गया? देख रहा SS। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बेटा? ठीक है, डाई स्टीरियो मर्स। अब ये आपका डाई स्टीरियो मर्स हो गया। अब डाई स्टीरियो मर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? अलग अलग होते हैं इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की क्या होगी? अलग अलग होगी। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। तो अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी तो हम इसको प्यार से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं जी। जैसे इस एग्जांपल में मैं क्या करूँगा, एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करा के मैं आर और एस कॉन्फ़िगरेशन वाले को क्या कर लूँगा? सेपरेट कर लूँगा। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन वाले को क्या कर लूँगा? सेपरेट कर लूँगा। तो आपका ये मुझे बताओ, यहाँ पर K1 और K2 क्या सेम होगा? मैंने बताया था अगर कायरल वाला कायरल के साथ रिएक्ट करता है तो पढ़ो वो एनेंशियोमर की लास्ट प्रॉपर्टी। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या नहीं होगा? हाँ, इक्वल नहीं होगा, मतलब सेम नहीं होगा। तो ना इसके लिए क्या होगा बेटा? K1 नॉट इक्वल टू K2। क्यों? क्योंकि आपका रिएजेंट क्या है? कायरल है। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? क्लियर हुआ ये पॉइंट? मैं 50 बार बोलूँगा, ऑर्गेनिक खत्म होते हैं। समझ में आ गया ये वाला? अब इसमें मेथड क्या है? सबसे पहले मेथड क्या होगा बेटा? एनेंशियोमर्स आर रिएक्ट विद अ कायरल रिएजेंट। ठीक है, अब डिफरेंट वो एनेंशियोमर आपका क्या बनेगा? कायरल रिएजेंट के साथ अटैक करके क्या करेगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ डाई स्टीरियोमर्स। ठीक है, मतलब एनेंशियोमर आपका क्या करेगा बेटा? इसको मैं समरी में लगा, वो एनेंशियोमर्स आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा? कायरल रिएजेंट के साथ। किसके साथ? कायरल रिएजेंट के साथ। और कायरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? डाइस्टीरियोमर्स। आपस में क्या होंगे बेटा? डाइस्टीरियोमर्स होंगे। और डाइस्टीरियोमर्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होने की वजह से हम क्या कर लेंगे बेटा? आर और एस को सेपरेट कर लेंगे। वैसे आर और एस को सेपरेट करना मुश्किल है ना, क्योंकि इनकी क्यों सेपरेट करना मुश्किल होता है? क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? एग्जैक्ट सेम होती है। समझ में आया? लिख लो इसको। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब कुछ क्वेश्चन में मेरे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन में करा देता हूँ ताकि तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमर में पता पड़ जाए। समझ में आ गया? एक और अभी मैं क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर तुम लोग रिलैक्स होकर रिवाइज करना। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी ये लिख लिया फ्रैक्शनल, और ये लिख लिया। चलो लिखो एक और क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन
फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, मैंने एक दिन बोला था ना साइक्लिक वाले का मैं बताऊंगा, वो आरएस निकालना, तुम्हें आप ही क्या होगा। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों में रिलेशनशिप बताओ। सबसे पहले क्या करोगे रिलेशनशिप निकालने के लिए, क्या कर करोगे, आरएसी निकालना पड़ेगा। हाँ तो सबसे पहले आप देखो बेटा यहां पर अगर क्या ओएच कहां है, वेज पर है, इसका मतलब एच कहां होगा, अपने आप ही डैश पर एज्यूम कर लेना। एच को अपने आप ही कहाँ एज्यूम कर लेना है बेटा तुम लोगों को, डैश पर। यहाँ पर ओ एच का, यहाँ पर एच कहाँ होगा, वेज पर, ठीक है, कहाँ होगा, वेज पर। यहाँ पर भी एच कहाँ होगा, वेज पर। अब तुम लोग वो निकाल लो, अब क्या करोगे, एच डैश पर है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका आर एस निकालो, इसको इसको रोटेट ही नहीं करना, ओ पहले आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, क्या होगा, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है आपका, आर। अब ये वाला बताओ ये कौन सा होगा, अब इसको रोटेट करना पड़ेगा और इन दोनों को रोटेट करना पड़ेगा ना। अब इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी याद आओगी, पहला ग्रुप सी और यहाँ पर क्या आ रहा है, एन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, सिमिलर है, यहाँ तक सिमिलर है ना दोनों, तो यहाँ पर कौन सा एटम का बड़ा होगा, ओ वाला। तो यहाँ पर ये यहाँ होगा, ये वाला यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपका। अब इसमें बताओ H को डैश पर लाना, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक है। तो यहाँ पर N, सबसे पहले N, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर। अब इसका बताओ कॉन्फ़िगरेशन, ये इधर है, ये आपका इधर है, ये आपका इधर है। आप जल्दी बोलो, सबसे पहले इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो ये कौन सा हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला बोलो, ये वाला कौन सा हो जाएगा, पक्का एस हो गया। ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका एस हो जाएगा। अब ये होता है इन दोनों में क्या रिलेशनशिप दिख रहा है तुमको, आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है कि नहीं है, आइडेंटिकल होने के लिए सेम होने चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सा दिख रहा है आपको, डाइस्टीरियोमर्स, बोथ आर डाइस्टीरियोमर्स टू ईच अदर। समझ में आ गया आप तुम्हें, ये सबसे टफ लेवल का कोई क्वेश्चन था जो तुमने अभी तक पहली बार किया है ना, वो अटेम्प्ट उस टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन था ये। अब समझ में आ गया तुम लोगों को, ये वाला बोलो जल्दी से, हमेशा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ निकालते हैं बेटा, कायरल सेंटर पे, कहाँ निकालते हैं, कायरल सेंटर पे। अब जल्दी बताओ बेटा यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड अगेन दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, टेल मी द आंसर, जल्दी बोलो।
ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर डैश पर कौन होगा? एच। यहाँ पर एच कहाँ होगा? वेज पर। अब बताओ इसमें लगाओ ये वन, वन के बाद कौन सा ग्रुप आएगा पहले? यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सी एच टू, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सी एच टू। यहाँ पर पहले आएगा ना ये वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, तो ये कौन सा हो जाएगा? आर। ये वाला बताओ, एच यहाँ आएगा, सी एल यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो एच नीचे सी एल, सी एल पहले, वन के बाद कौन सा हो जाएगा बेटा? टू, टू यहाँ होगा टू, और ये क्या हो जाएगा बेटा फिर से? आर। ऐसे होगा ना। ये वाला बताओ यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये आपका एच यहाँ होगा और यहाँ पर एच यहाँ होगा। आप जल्दी बताओ पलटो, सी एच थ्री यहाँ, सी एच थ्री यहाँ, एच यहाँ, तो सी एच थ्री हो गया। अब यहाँ से ज़्यादा पास है ना, यहाँ से प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी ना उसको, क्योंकि यहाँ जा रहे तो सी एच टू, यहाँ जा रहे तो सी एच टू, अगेन जा रहे तो थर्ड एटम भी सी एच टू, यहाँ थर्ड एटम कौन सा आ जाएगा? सी एल वाला आएगा पहले, तो यहाँ पर ये वन, वन, वन के बाद कौन सा, रुको, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा ना, ये वन, वन के बाद ये उल्टा होगा ना, वन इधर टू इधर, तो ये एस हो जाएगा। ये वाला बताओ, अब ये आपको पलटना नहीं पड़ेगा, ये वन ये टू, नहीं नहीं यहाँ पर सी एल है ना, तो ये वन ये टू ये थ्री, तो क्या होगा एस, तो ये क्या हुआ? आइडेंटिकल तो थोड़े ना, आइडेंटिकल में तो आर आर होता ना, मिरर इमेज मतलब इनेंशियोमर, मिरर इमेज मतलब। अब समझ में आ गया तुम लोगों को? क्लियर हो गया? अब टफ से टफ आ जाएगा। चलो ये वाला होमवर्क करके लेके आना। अब देखो थर्ड ये वाला बता दो लास्ट, उसके बाद फ्री कर देता तुम लोगों को भी। बोलो बोलो आप जल्दी से। यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले देखो एच पर एच हो जाएगा, और यहाँ पर जल्दी बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा करना पड़ेगा। सी एल यहाँ जाएगा, सी एल फिर ये क्या हो जाएगा? नहीं सी एल फिर ये आ जाएगा ना, उल्टा होगा ना, तो कैसा होगा एस? ये वाला बोलो, बी आर, बी आर के बाद ये तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला एस। ये वाला बताओ आप, ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? ये क्या हो गया? यहाँ पर इसको पलटना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ बी आर आएगा, तो अब ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा ना, बी आर ये और ये क्या हो जाएगा? एस, तो ये क्या होगा बोलो? दिखने में हमको क्या लग रहा था? मिरर इमेज लग रहा था ना, लेकिन है कौन सा? क्लियर हुआ तो अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, कर लेना इसको पूरा अच्छे से, ठीक है, अब रिवीजन कर लेना अच्छे से, एक बार देख के आना कल, ठीक है, कल हम कौन सा स्टार्ट करें, कॉन्फर्मर्स कर देंगे स्टार्ट।